बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। करीब 3 माह बाद मेरठ में बफर जोन के बाजार खुल गए। दुकानें खोलने के लिए व्यापारी जरूर जुटे, लेकिन ग्राहकों ने बाजारों से अपनी दूरी बनाए रखी। सदर बाजार व बॉम्बे बाजार के व्यापारियों में जरूर टकराव के हालात बने, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया। दरअसल बॉम्बे बाजार के व्यापारी भी सदर बाजार के साथ ही अपनी दुकानें खोलना चाहते थे और यही विरोध का कारण था। पुलिस ने आकर समझा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बफर जोन के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की सशर्त परमिशन दी है। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाजार अभी बंद ही रहेंगे। उधर बाजार खोलने व खुलवाने की राजनीति के बीच व्यापारी स्वयं को ठगा पा रहा है। व्यापारी नेताओं की दुकानें बराबर चल रही हैं, जबकि आम व्यापारी परेशान हो कभी संयुक्त व्यापार संघ तो कभी जिला एडमिनिस्ट्रेशन का मुंह देख रहा है। कल ऐसी ही एक शिकायत पर निर्वाचित संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री संजय जैन का एवे चौराहा स्थित पेट्रोल पंप बंद करा दिया गया। शिकायत का ठीकरा स्वयंभू संघ के सुधांशु महाराज के सिर फूटा। संजय जैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा कि फर्जी संयुक्त व्यापार संघ के फर्जी व्यापारी सुधांशु जी महाराज द्वारा उनका पेट्रोल पंप अफसरों से मिलकर बंद करा दिया गया, जबकि पेट्रोल पंप आवश्यक वस्तु में आता है, फिर भी न जाने किस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए उनका पंप अफसरों ने बंद करा दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तमाम लोगों ने सुधांशु महाराज के इस कृत्य की आलोचना की, तो तमाम लोगों ने यह सवाल भी खड़े किए कि सुधांशु किस तरह से फर्जी है। जब उनकी संस्था वोट देती है तो वह प्यारे हो जाते हैं, और जब विरोध करते हैं तो उन्हें फर्जी बता दिया जाता है। यह क्या राजनीति है? कुछ का यहाँ तक कहना है कि जब संघ के महामंत्री अपना ही पेट्रोल पंप नियम विरुद्ध बंद होने से नहीं बचा पाए तो वे अन्य व्यापारियों की कैसे आवाज़ उठाएंगे। लोगों ने पुराने संघ के जमाने भी याद किए। संजय जैन ने ही मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश जैन की तरफ से एक पोस्ट डाली है। इसमें कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी ठोस आधार के पेट्रोल पंप बंद कर देना प्रशासन की दूरदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। गंभीर व हास्यास्पद तथ्य यह भी है कि बीते दिवस संजय जैन के पंप को कंटेनमेंट इलाके में होना बताकर बंद कराया गया, जबकि पिछले 3 माह से यहाँ बराबर ही बिक्री हो रही थी। यानी न खाता न बही, जो जिला प्रशासन कहे वह सही। सवाल उठ रहा है कि यदि कंटेनमेंट इलाके में पेट्रोल पंप नहीं चल सकता तो फिर यह किसकी मिली भगत से 3 माह से चलता रहा। यह बात भी व्यापारियों के बीच आई है कि कैलाश डेयरी, शास्त्री नगर व साकेत भी पूरे दिन खुल रही हैं। यहाँ मिठाई व अन्य सामग्री भी बराबर बेची जा रही है। व्यापारियों में इसे लेकर भी खासी सुगबुगाहट है। व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि व्यापारी नेताओं के काम धंधे बराबर चल रहे हैं, लेकिन आम व्यापारी 3 माह से घर पर बैठने को विवश है। लॉकडाउन के दौरान बीड़ी की कालाबाजारी पर भी संघ के दूसरे गुट ने व्यापारी नेता को खूब निशाने पर लिया था। लॉकडाउन में नागरिकों को कुछ मिला हो अथवा न मिला हो, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व शराब की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई है। जमकर कालाबाजारी हुई है और व्यापारी नेताओं व इससे जुड़े लोगों ने रात के काले अंधेरे में जमकर काली कमाई की। उधर शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट अध्यक्ष किशोर वाधवा ने SDM से मीटिंग कर सेंट्रल मार्केट खोलने के बारे में बातचीत की। किशोर वाधवा ने बताया कि शाम तक कोई सार्थक जवाब आने की उम्मीद है। इस मीटिंग में विनोद अरोड़ा, महिपाल सिंह, भरत भूषण, सतीश वर्मानी आदि मौजूद थे। इस बीच शहर सराफा बाजार में भी व्यापारियों ने बाजार ने खोलने को लेकर विरोध जताया। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण दुकान का किराया, किस्त, मजदूरों का वेतन व अन्य खर्चे उन पर चढ़ रहे हैं, जबकि काम धंधा चौपट हो चुका है। आम व्यापारी के सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं शहर सराफा बाजार संघ के पदाधिकारी। कुमार वर्मा, अध्यक्ष स्वर्णकार संघ मेरठ। आज यहाँ पे सराफा बाजार में है जो ये मतलब प्रदर्शन हुआ, क्या किस कारण हुआ, क्या वजह? हमारा बाजार 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। रोटी रोटी के लिए परेशान है हर आदमी जो हमारे क्षेत्र से इस काम से जुड़ा हुआ है। भुखमरी के कगार पे आ गया है। हमारे पास बैंक की दुकान का किराया, कारीगरों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। मजबूरी में आपके चैनलों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी बात प्रशासन तक पहुँचे और हमारा सराफा बाजार शीघ्र खुलवाया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अधिकारी वगैरह आया? यहाँ थाना डेलीगेट के सारी टीम आ गई और उन्होंने सारे नाकाबंदी करके हमारा जो ये प्रसन्न था थाली बजाने का, उन्होंने होने नहीं दिया।
और कहा कि अगर जो प्रदर्शन करोगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, मुकदमे लिखे जाएंगे। लाठी चार्ज करने को तैयार थे संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष और महामंत्री हमारे बीच आए और उन्होंने फिर वार्तालाप करके जो है बात करी है और जो है सिटी मजिस्ट्रेट्स के साथ आज मीटिंग होगी और शीघ्र ही बाजार खुलवाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपका चैनल हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाए और आप हमारे बाजार को ये खुलवाया जाए। मैं कुलदीप गुप्ता, अध्यक्ष शारदा रोड व्यापार एसोसिएशन, आज सौभाग्य से जिलाधिकारी महोदय की कृपा से शारदा रोड को खोलने का जो ये आज हमें आदेश मिला है, जो बाई साइड से आज झंडे वाले की दुकान से शुरू हुआ है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरा बाजार का की तरफ से आश्वासन देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और मशीनें भी रखी जाएंगी, किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने की। अपने बाजार को एक बहुत ही अनुशासन के साथ एक एग्जाम्पल पेश करेंगे जिससे कि शारदा रोड व्यापार संघ का जैसा अच्छा नाम है वो ही हमेशा बना रहे। और जिलाधिकारी महोदय का बार बार धन्यवाद करते हुए मैं अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि व्यापारियों ने बहुत परेशानी भुगती है, छोटे व्यापारी हमारे बहुत परेशान थे, इसके लिए धन्यवाद। राज टेलीकॉम राजीव शर्मा मेरा नाम है। काफ़ी समय के बाद आज बाज़ार खुला है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा पालन किया जाएगा यहाँ पर और सब चीज़ की सावधानी पूर्वक काम किया जाएगा। ये मेट्रो प्लाजा कितने दिनों बाद खुला है? 80 दिन के बाद लगभग। तो अब व्यापारियों ने आज रात की सांस ली है? हाँ, थोड़ी रात मिली है। देखिए, आज यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पिछले 80 दिनों से जो जनपद के बाजारों को जिलाधिकारी ने बंद कर रखा है, जिला प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बंद कर रखा है, आज यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक हवन का आयोजन जिला प्रशासन के अधिकारियों की बुद्धि की शुद्धि के लिए करा है। और हमें ये महसूस हो रहा है पिछले 80 दिनों से लगातार व्यापारी बदहाली की स्थिति में आ चुका है, ऐसा महसूस होता है कि जिला प्रशासन के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई नकारात्मक शक्ति जिला प्रशासन के अधिकारियों को व्यापारियों के हितों में फैसले लेने से रोक रही है। तो आज ये हवन हमने जिला प्रशासन और जिला अधिकारी की बुद्धि की शुद्धि के लिए आयोजित किया है। ईश्वर से हमने प्रार्थना करी है इस यज्ञ के माध्यम से कि जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन को बुद्धि दे, उनकी बुद्धि को शुद्ध करे, उनके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है जो व्यापारियों के हितों में उनसे फैसले नहीं लेने दे रहा। लगातार 80 दिनों से व्यापारी समाज अपनी दुकानों में ताले लगाए बदहाली झेल रहा है। पूरे मेरठ जनपद के आसपास के जिलों के व्यापारियों के प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, मेरठ जनपद के शहर के व्यापारी हाथों में हाथ रखकर बैठे हैं, जिला प्रशासन की कुछ नहीं सुनवाई कर रहा। तो आज इस हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है कि जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन की बुद्धि को शुद्ध करने का काम करें और व्यापारियों को दुकानें खुलवाने की उन्हें यथाशक्ति ईश्वर प्रदान करे। ये आज हमारी ईश्वर से हाथ जोड़ के हमने प्रार्थना करी है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।